गाइस वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। गाइस आज जा रहे हम बाहर और मेरी एक पहले ना मीटिंग है, क्लाइंट मेरे को मिलेगा स्टारबक्स में, तो स्टारबक्स में जाके आज मीटिंग करते हैं। तो पहले मैं सामान रख लूँ गाड़ी में, फिर आपके साथ बात करता हूँ। जिस क्लाइंट को मिलने जा रहा हूँ ना, उन्होंने आज मेरे को बुलाया था। तो आज क्यों बुलाया था उन्होंने, तो मैंने उनको बोला था कि कल मेरा इवेंट है तो आज हम मिल सकते हैं, पर हुआ गया मेरे को ना गलती लग गई, आज मेरा इवेंट है तो आज ही मेरी मीटिंग है। आज मीटिंग कर लेते क्योंकि कल इवेंट था मेरा, पर कल था नहीं और आज इवेंट है। और कोई बात नहीं, मैंने उनको कैंसिल भी नहीं किया। तो अभी मैं मिलता हूँ जाके, क्योंकि 12 बजे का टाइम है, अभी टाइम हो रहा है 11:30 बज गए, तो उनको मिलके तो फिर हम चलते हैं अपने इवेंट पे। तो चलो गाइस शुरू करते हैं आज का व्लॉग। सो गाइस अभी क्लाइंट से मिल गया है और जा रहा हूँ अपने इवेंट पे। और यार मैं ना सोच रहा था कि यार मेरे को डीजे बने हुए ना 10 साल हो गए हैं। तो 10 साल पहले मैं क्या करता था, डीजे सीख रहा था ना, तो मैं क्या करता था पता है, घूम रहा था खाउसान रोड के पास, वहाँ पर मेरे को एक बंदा मिला, वो थाई था। तो उसने डाला हुआ था कपड़े, पता नहीं मतलब कि ऊपर से वैसे कपड़े डाले जैसे कि वो डीजे नहीं होता, ठीक है, असल में वो डीजे था। तो ऐसे उसने कपड़े डाले हुए थे, तो वो सिंगिंग दे रहा था वहाँ पर ना, गिटार खेल रहे थे, वो सिंगिंग कर रहे थे, क्योंकि मेरे को भी शौक है गिटार खेलने का, सिंगिंग करने का, ठीक है। तब मेरा शौक था कि मैं बन जाऊँ, पर चलो बना नहीं, उसकी वजह से मैं डीजे बन गया। उसको मैंने पूछा तू क्या करता है, बोलता है कि मैं डीजे हूँ। मैं क्या, अच्छा मतलब कपड़े तो तेरे से तो लग नहीं रहा भाई, तू डीजे है, तो कहाँ से डीजे है। तो फिर मैंने उसको बोला मेरे को भी सिखा दे, तो भाई अब मेरी किस्मत देखो, मेरी इतनी अच्छी किस्मत है, उसने बोला कि चल ठीक है मैं सिखा दूँगा। उसने नंबर दिया अपना, तो मैं ले गया। फिर मैंने अपने घर वालों से पूछा कि हाँ मैंने डीजे सीखना है ये वाला, तो उनको था कि डीजे नहीं सीखना है, डीजे सीखना मतलब कि तू ड्रग्स खेलेगा, तू दारू पिएगा, ये करेगा वो करेगा, नहीं डीजे नहीं करना है तेरे को। फिर मैंने मनवा लिया उनको, मैं बोला नहीं ऐसे नहीं करूँगा, ये वो मान गए। फिर मैंने सीख लिया, मेरे घर वालों ने पैसे नहीं दिए, खुद के पैसों से सीखा, बोलते नहीं, क्योंकि उनको था कि हमारा बच्चा डीजे सीखे ही ना, कि ये डीजे सीखे ही ना, तो उनको था कि ये डीजे मत सीखे। तो फिर मैंने अपने पैसे से, तब थे मेरे 7-8 हज़ार बाट थे, मैंने 7-8 हज़ार बाट में डीजे सीखा। कैसे सीखा डीजे, उसमें क्या होता है कि आपको 20 घंटे मिलते हैं, 20 घंटे में आपको डीजे सीखना होता है, ठीक है। तो वो कोर्स होता है ना कि ये कोर्स तेरा इतना लगे, ये कोर्स इतना, तो हमने बस ऐसे सीखा। तो उसके बाद मैंने अपने फ्रेंड को बोला यार मेरे को सिखा दे, मेरे को ये वो, कि मेरे को अभी पूरा नहीं आया तो मेरे को सिखा दे, तो क्योंकि मेरे को काम भी नहीं मिल रहा था। तो फिर उसने क्या बोला कि KFC में आ जाकर, क्योंकि मैं तो वेजिटेरियन खाता हूँ, वो नॉनवेज खाता है, बोलते तो मेरे को चावल खिला दिया अगर मैं तेरे को डीजे सिखा दूँगा। मैं कहा यार ये तो सबसे बढ़िया है, पैसे भी ले रहा है ये बंदा, बोल रहा चावल खिला दे मैं डीजे सिखा दूँगा। तो उसके बाद चावल खिलाता था और डीजे सिखाता था वो मेरे को। तो डीजे मैं सीखता रहा। एक दिन उसने मेरे को काम नहीं दिया, उसके बाद धीरे धीरे करते करते मैंने किया काम देसी बीच में, जो कि अभी बंद हो चुके, वो कोविड में बंद हो गया था, आपको पता लॉकडाउन हुआ 3 साल, काम था ही नहीं, तो 5 साल हो गए वो बंद है। तो मैं सोचा मैं अभी क्या करूँ। उसके बाद मेरे पास भाई साहब इवेंट आने शुरू हुए, कि मतलब कि मेरा काम चल पड़ा। आज मेरे को 10 साल हो गए डीजे करते हुए, तो मतलब कि क्या ही स्टोरी है, क्या ही बात है। अभी स्टोरीज में देखा था जिसका वो लाइट एंड साउंड ले रही है ना भाई, वो इतना ज़बरदस्त उसने आज लाइट एंड साउंड किया ना, कि आपको भी मैं जाऊँगा दिखाऊँगा, मतलब कि जैसे लग रहा है कि पता नहीं कितनी बड़ी पार्टी है, बर्थडे है पर पता नहीं कितनी बड़ी पार्टी है, ऐसे लग रहा है। चलो चलते हैं दिखाते हैं। एक तो बैंकों का ट्रैफिक, रेड लाइट पे खड़ा 5 मिनट हो गया था, ग्रीन लाइट नहीं हुई इसकी। देखो ये गली में कितनी हरियाली है, लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे सब जगह हरियाली हरियाली है। हरियाली हो तो कितना अच्छा लगता है ना गाइस, कि आपको नेचुरल एक ऑक्सीजन मिलती है, इसलिए तो हम लोग पहाड़ों में जाते हैं घूमने के लिए। जो नेचुरल ऑक्सीजन जो पहाड़ों से मिल सकती है ना, ये जो नेचर से मिल सकती है ना, आपको कहीं से नहीं मिल सकती। जो नेचुरल ऑक्सीजन होती है ना, ये आपको कहीं से नहीं मिल सकती, ये आपको नेचर से ही मिल सकती है, पहाड़ों से, पत्तों से, दरख्तों से। तो हम लोगों को ये नेचर को ना बचा के रखना चाहिए, पता है। जैसे कोई लोग होते हैं ना घर बनाने के चक्कर में, कुछ भी चलो हम किसी को बुरा नहीं बोलते, तो दरख्त काट देते हैं, पत्ते काट देते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए हम लोगों को। सो गाइस अभी मैं पहुंच चुका हूँ अपनी होटल की लोकेशन में, और जा रहे अभी अंदर। तो होटल की लोकेशन कुछ ऐसे है, यहाँ पर हमने लगा दी अपनी गाड़ी। तो ये होटल है यू साथोन होटल। तो चलो गाइस अभी चलते हैं अंदर और देखते हैं कहाँ पर हमारा सेटअप होगा। तो करते हैं अपना जाके जल्दी जल्दी सेटअप।
सो गाइस अभी मैं फिर आया हूँ, देखना कॉफ़ी इतनी गंदी लत लगी हुई है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। फिर मैं कॉफ़ी लेने आया हूँ स्टारबक्स से, इवन में तो पहुँच चुका हूँ, पर अपना सेटअप वगैरह करके साउंड सिस्टम का, और मैं निकल पड़ा कॉफ़ी ढूंढने। कॉफ़ी ढूंढिए अभी ढूंढ रहा हूँ ब्रेड, डेढ़ किलो कॉफ़ी है, क्योंकि वहाँ पर आपको पता ही है कि इवेंट में कितनी देर बाद वो खाना खुदा जो इसी लिए। तो अभी लेते हैं ब्रेड सेवन से और चलते हैं। इवेंट अभी ख़त्म हो चुका है तो अभी हम जा रहे हैं घर। तो भाई साहब बहुत अच्छा इवेंट गया आज का ना, सबसे बढ़िया इवेंट गया आज, क्लाइंट भी अच्छा था ठीक है, और इवेंट भी बहुत अच्छा था, मतलब कि मज़ा ही आ गया आज, आपको क्या बताऊँ, बहुत मज़ा आया आज। पता क्या क्राउड था आज का, पूरा रेट्रो क्राउड था, एक सिंगर भी आया हुआ था इंडिया से, तो पहले उसने गाना गाया 9:30 बजे तक, 9:30 बजे लेके 11:30 बजे तक मैंने डीजे चलाया। चलते अभी घर गाइस, अभी 12 बज गए तो घर पहुँचे कि हम 12:30 बजे पहुँच जाऊँगा मैं, क्योंकि आधे घंटे का रास्ता है, इतना ज़्यादा नहीं है, तो पहुँच जाऊँगा बहुत जल्दी।